यार कल ट्यूशन में कितना मजा आया था। यार कितनी तेज बारिश आ रही है। क्या हुआ यार, मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। अबे इधर आ, पागल है क्या तू? तेरे तो पीरियड्स आ रहे थे ना। मैं तो भूल ही गई। तो बारिश के मौसम में अगर आपको भी डर है कि आपकी कॉटन पैंटी ऐसे ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसको आप रिप्लेस कर दो ऐसे नायलॉन पैंटी के साथ, जिससे कि अगर कभी आप गलती से बारिश में भीग भी गए ना, तो वो पानी इजिली एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो इसीलिए आप भी कॉटन की जगह नायलॉन पैंटी पहनो। और हाँ, मैंने भी नायलॉन ही पहनी है, बुद्धू कहीं की। ओए चिपकली, कहाँ जा रही है? चिपकली किसको बोल रही है? बढ़िया ही, कितना इतरा इतरा के चलती है। ओ नो, यहाँ तो पानी भरा हुआ है। अब पता चलेगा ना इसको। हाँ बता बता, अब कैसे जाएगी पानी में से कूद के? क्या करूँ क्या करूँ, आइडिया तो है ना। अच्छा जुगाड़, बड़ी आई थी मुझसे पंगा लेने। चलो चले। ये तो चली गई, अब मैं क्या करूं? आइडिया, अपने जूतों को हाथ में ले लेती हूँ, फिर निकल के दोबारा पहन लूंगी, जिससे मेरे जूते भी गंदे नहीं होंगे। देखो वो आ गया। कितनी कलरफुल है। सच बोल रही है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अगर आपको भी अपने ऐसे बेसिक अम्ब्रेला को टर्न करना है एक डिजाइनर और सुंदर अम्ब्रेला में, तो इस हैक को फॉलो करो। मेरी तरह ऐसे ही एक बटर पेपर पे ऐसे क्लाउड का डिजाइन बना लो। वैसे अगर आप चाहो तो बटर पेपर की जगह एक नॉर्मल पेपर भी यूज कर सकते हो, और स्काई की जगह कोई और अपना फेवरेट डिजाइन भी बना सकते हो। मैंने यूज करा है एक्रेलिक कलर और ऐसे ही डिजाइन बना लिया पूरे अम्ब्रेला पे। मैं बना रही हूँ ये क्लाउड वाला डिजाइन, आप अपने हिसाब से कोई भी अपना फेवरेट डिजाइन ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप फ्री हैंडेड ब्रश से भी कोई भी अपना फेवरेट डिजाइन बना सकते हो। मैंने तो बनाया है अपने अम्ब्रेला पे ट्री का डिजाइन, आप अपने पसंद से कोई भी डिजाइन बना सकते हो। ये हो गया मेरा डिजाइनर अम्ब्रेला रेडी। अब मैं इसको स्कूल में लेके जाऊंगी ना, तो सब मुझसे यही पूछेंगे ये कैसे बनाया। तो आप भी ये जरूर ट्राई कर सकते हो स्टाइलिश बनने के लिए। सुनो सुनो, चलो सेल्फी क्लिक करते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। मैं भी क्लिक करूंगा। मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ ना, सारे क्लास के लड़के तो घायल ही हो जाएंगे। वाओ, देख बोला था ना। यस बेब। अच्छा ए लड़की। यस मैम। हाँ तुम इधर आओ। आती हूँ। ये स्कूल है, कोई फैशन शो नहीं जहाँ तुम बंधन के आ गई हो। क्या मैम? जाओ अपनी दो पोनी करके आओ। क्या मैम, कितनी तो ब्यूटीफुल लग रही है मेरी एक पोनी। अच्छा रुक जा। ओहो कितनी गंदी लग रही है। अब दिखाओ पूरी क्लास को फैशन। अभी दिखाती हूँ फैशन मैडम। तो अगर आप भी कभी मेरी तरह ऐसी सिचुएशन में फंसो, तो मेरी तरह ऐसे ही अपनी दो चोटी बना लेना, वो भी फैशनेबल। तो इस तरह से अपने बालों को पहले अच्छे से कॉम कर लो, क्योंकि हम कभी कभी अच्छे से कॉम नहीं करते और फिर बाल उलझ जाते हैं। और फिर ऐसे बैक कॉम करके बीच की मांग निकाल लो। फिर स्टाइलिश दिखने के लिए आगे से ऐसे फ्लिक्स निकाल लो। अब पीछे से पार्टीशन करके एक साइड के बाल आगे ले आओ। उसके बाद इस पार्टीशन को ऐसे लेकर तीन हिस्सों में डिवाइड कर लो, और फिर इसी तरह अपने बालों के थोड़े थोड़े से सेशन लेके अपनी ब्रेड में ऐड करते जाओ। अब जब आपकी चोटी बनके पूरी हो जाए, उसको रबर से सिक्योर कर लो। अब जैसे हमने एक साइड किया है, जादू से दूसरी साइड भी कर लेते हैं।
तो बन गया ना कितना सुंदर हेयर स्टाइल, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। यस मैम, अब दिखाऊंगी मैं स्टाइल। अब लग रही है ना अच्छी बच्ची। वाओ यार, क्या स्टाइल है इसका। हाय गाइस, ये देखो मेरा न्यू पेंसिल बॉक्स। वाओ, एक मुझे भी। अरे रुको रुको, सबको देता हूँ। ये आपका। थैंक यू। ये आपका। थैंक यू। और ये आपका। थैंक यू। बेबी, मुझे भी एक पेन। अरे आपके लिए एक नहीं, आपके लिए 2 हैं। ये लो बेबी, आपके लिए स्पेशल पेन। 2 पेन, वाओ। चलो चलो बच्चों, अपना पेपर लिखो। अरे सब लोग अपना एग्जाम कितने अच्छे से कर रहे हैं, चलो मैं भी कर लेता हूँ। अरे यार मेरे पास तो पेन ही नहीं है, मैंने तो सबको पेन बांट दिए। यार पेन दे दो कोई। हेलो सुनना यार। क्या यार, एक पेन दे दे। नहीं है। किससे मांगू किससे मांगू यार, अब लड़कियों से मांगना पड़ेगा। और सुन, छोटे मुंह की पेन दे। मेरे पास नहीं है। और सुन, मेरा पेन वापस दे। अभी मेरे पास नहीं है। आइडिया, अपनी बेबी से पेन मांगता हूँ, बेबी पेन देना। मैं नहीं दूंगी भैया। मैम, ये भैया मुझे परेशान कर रहे, पेपर नहीं करने दे रहे। चुप, अपना काम करो। अच्छा वैसे सैया, और अब भैया बताता हूँ तेरे को, इतना बुद्धू नहीं हूँ मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। मैं फैंसी ज्योमेट्री बॉक्स एग्जाम पे लेके जाता हूँ, तो अपने साथ एक बैकअप भी लेके जाता हूँ। ये देखो मेरा बैकअप। और आपको पता है, हमेशा अपना बैकअप साथ में लेके चलो। ये पेन क्यों नहीं चल रहा? ओ क्या करूं, किससे मांगूं किससे। ओ बेबी, एक पेन होगा आपके पास। गर्मियों में आम खाने का तो मजा ही अलग होता है। यम, कितना टेस्टी है यार, मजा आ गया। तू खाएगी? पागल है, बारिश में आम कौन खाता है, पिंपल हो जाएंगे। अबे चल, कुछ नहीं होता, मुझे तो आम बहुत पसंद है, बारिश हो चाहे कुछ भी, मैं तो खाऊंगी। खाती रहे, कौन समझाए इसे। इतने सारे पिंपल आ गए ना, पिंपल बोला था ना। क्या करूं, इतने सारे पिंपल हो गए यार मुझे। अच्छा तो एक काम कर, तो मानसून के मौसम में जब आप ऐसे आम खाते हो ना, तो पिंपल होने का बहुत डर रहता है। तो और इससे बचने के लिए हमने रेडी किया है ये मानसून डिटॉक्स ड्रिंक। इसके लिए आपको चाहिए जीरा और पानी। इस तरह से पानी को उबाल के उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल लो और फिर उसको ढक के आराम से उबाल लो। उसके बाद छान के ठंडा करके पी लो। अजवाइन या फिर सौंफ से भी बना सकते हो, सेम प्रोसेस फॉलो करके। और फिर इसको आप अल्टरनेट वेज में पी सकते हो। मैं इसको दिन में 3 बार पीती हूँ, एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार शाम। लाल लाल लाल, ओ गॉड, बारिश स्टार्ट हो गई। इस पेड़ के नीचे जम जाएंगे। वैसे छोड़ यार, बारिश में भीग लेती हूँ। अभी देख बारिश में कैसे भीग रही है। ये मुझे देख के क्यों हंस रहे हैं? ओ गॉड, कहाँ छुपूं? ओए जीतू, उसकी देख स्पैगेटी दिख रही है पूरी। सुनो, मेरे पास ये ब्लैक स्पैगेटी है, ये दे देती हूँ। हाँ दे दे उसको। आप इसको जी भर के भीगने दे। अगर आपको भी मेरी तरह बारिश में भीगना बहुत पसंद है, तो मेक श्योर कि आप व्हाइट स्पैगेटी की जगह कोई भी डार्क कलर की स्पैगेटी पहनिए, ताकि आपको मेरी तरह कोई भी ऑकवर्ड मोमेंट फेस ना करना पड़े। तो गाइस, अभी कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा सीक्वेंस सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और हाँ, ये भी जरूर बताना कि आपको स्कूल जाना पसंद है या फिर नहीं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।